प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में और जानेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से आप इसके तहत अपने कार्य और उससे जुड़े अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार भी है, लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस प्रारंभ होती है। यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन है। जब दुनिया में बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए, तब संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन के प्रयासों से ही बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई। क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार? व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है। अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक संपदा से अभिप्राय है नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण ये आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों एवं संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार। कॉपीराइट। कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकार। इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। नैतिक अधिकार। इसके तहत लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। कॉपीलेफ्ट। इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। पेटेंट। जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि से 20 वर्षों के लिए होती है। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक ना हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित ना कर रहा हो तथा वो आविष्कार व्यवहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं। ऐसे आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हों तथा ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त होते हों को पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क। एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। ये चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। औद्योगिक डिजाइन। भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन से अभिप्राय है आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो। भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पे, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं।
भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 बनाया गया है। ये अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग ये सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।